बोल के बेटा बोल भैया भैया एक एक बटन लगा कब आए भैया? 20 मिनट बाद। कैसे? हाँ चले तो। चलिए रेडी। चलिए। पूजा हो गया? हाँ है ना? कैमरे सामने सामने करो भाई। आइए सामने सामने कैमरे सामने हटिए। नहीं आओ। आइए पीछे पीछे आइए पीछे। गणपति जी किधर? गणपति गणपति लाइए। विनय। करना पड़ता है। यार मेरे सामने एयरपोर्ट से खरीदा है। कार्ड होने का था? हाँ ते गंदे हो बताते हैं उनको। रुको पापा उधर क्यों बैठ गए? चलिए राम जी आ जाओ। मैडम सवाल पूछना है। एक सेकंड ठीक है बैठिए पापा। दफ्तर हाँ तो मैं बैठ जाइए इधर आइए टाइम है। अच्छा ठीक आपका सेट अभी रिन्यू हो गया है। आज एक वीडियो स्क्रीन में लेके सेट पे है। आज मुहूर्त हुआ बना दीजिए भैया। सब बना दो भाई पूरा टाइम यही बचाएगा। ले लो ये भी रखो। लाइन में नहीं रहता हूँ तो लगवा लो। चलो पीछे पीछे। गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। जय हो महाराज की। गुड मॉर्निंग सर कैसे हैं? चलिए रेडी। और कैसे हैं? आप इधर आइए ना। यहाँ पे यहाँ पे इधर अरविंद इधर यहाँ यहाँ सामने इधर चले जाइए। इधर चले जाइए। यहाँ खड़े हुए सीढ़ी चढ़ जिससे कि उनका फेस आए। हाँ ये कमल जी
आप भी आइए, हाँ आप भी आइए, नहीं आप फोटो यहाँ से सही आ रही है, आप आइए, इसलिए मैं इधर आ गया। चले आ गया अरे भैया प्लीज आप लोग शांत रहिए। शुभम बेटे, शुभम, शुभम, शुभम रे, ओके रेडी, रोल कैमरा, एक्शन, भेजो शुभम। नहीं नहीं अरे बिल्कुल ठीक है, अरे कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, आइए मैम आप लालू लालू फेर लगाओ यहाँ करो, गरीब नवाज का शर्म है। एक्शन, नहीं नहीं है वो आने वाला है, भाई एक बार देख लो ना, मेरी मानो ना बात। कैसी हैं? चलिए रेडी, गद्दर का सिकंदर जी, इसके बारे में बताइए कि कैसे इस टाइटल सोचा गया। ये मुकद्दर का सिकंदर जो फिल्म है, ये हमारे संतोष मिश्रा जी, आइए आइए महाराज, हमारे राइटर डायरेक्टर हैं संतोष मिश्रा जी, जिन्होंने निरहुआ रिक्शा वाला से लेके और निरहुआ हिंदुस्तानी तक मेरी वो सारी फिल्में लिखी है, जिन फिल्मों को आप पसंद किए हैं, आप लोगों ने प्यार आशीर्वाद दिया है, और मेरे साथ 3-4 फिल्में डायरेक्ट भी कर चुके हैं, मुकामा 0 किलोमीटर, काशी अमरनाथ, बम बम बोल रहा है काशी, और एक पटना से पाकिस्तान। सर वो तो काफी सक्सेसफुल रहा था आपका पटना से पाकिस्तान, तो क्या लगता है ये फिल्म वो कमाल कर पाएगी? जी जी बिल्कुल कर पाएगी, क्योंकि ये जो कहानी है वो एक ऐसी कहानी है जो समाज में लोग रिलेट करेंगे और लोगों को पसंद इसलिए भी आएगी क्योंकि एक ऐसे युवक की कहानी है जो समाज में हो रहे जो भी दुराचार हैं और समाज में ऐसे लोग जो अधर्म के रास्ते पे हैं और ऐसे लोगों के अधर्म से, उनके अत्याचार से परेशान होकर के जब एक पढ़ा लिखा लड़का गुंडागर्दी पे उतरता है तो फिर वो बाकी जो गुंडे हैं उन लोगों का क्या हाल करता है और कैसे एक गुंडा बन के भी वो रॉबिन हुड बन जाता है और वो कभी किसी गरीब को नहीं सताता है, कभी किसी गरीब के लिए वो गलत नहीं करता है, जब भी वो हाथ उठाता है, जब भी वो लड़ाई करता है तो उन गुंडों से, उन अत्याचारियों से जो गरीबों को सताते हैं, तो कहीं ना कहीं एक रॉबिन हुड बन जाता है, एक हम कहें कि वो भी बाहुबली होता है, बाहुबली होते हुए भी वो
लोग उसको सपोर्ट करते हैं और लोगों का सपोर्ट पा करके लोगों की समस्याओं को कैसे सुलझाता है, ऐसी कहानी है मुकद्दर का सिकंदर। मतलब ये फुल ऑन एक्शन फिल्म है, तो सर इसमें रोमांस लगा हुआ है? बिल्कुल है, चूँकि फिल्म में आम्रपाली दुबे जी हैं तो आप समझ सकते हैं कि फिल्म में रोमांस कितना तगड़ा होगा। तो एक लेकिन जो आम फिल्में हम देखते हैं, जो आम फिल्में होती है, उससे थोड़ा हट के होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पहले तो ना बोलते हैं और जब हाँ बोलते हैं तो सिचुएशन ऐसी होती है कि दोनों एक दूसरे से शादी नहीं कर पाते हैं, पर उनका जीवन जो है कैसे एक दूसरे के प्रति समर्पित होता है वो बड़ा कमाल का ताना बाना बुना है संतोष मिश्रा जी ने। बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। हमारे साथ डायरेक्टर सर भी है, तो मैं जानना चाहूँगी कि इस फिल्म की स्टोरी आपने कहाँ से लाई, क्या कोई रियल स्टोरी से रिलेटेड है ये स्टोरी? ये रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है और जैसे कि सर बता रहे थे कि किसी एक आदमी का संघर्ष है जो एक नज़र से देखिए तो गलत तो था लेकिन लोगों के लिए वो अच्छी बातें थी और लोगों ने उनको रॉबिन हुड बना दिया। लेकिन सरकारी फाइल के हिसाब से जो जस्टिफिकेशन उस आदमी को नहीं मिला तो इस फिल्म के माध्यम से एक जस्टिफिकेशन के तौर पे हम दिखाएंगे कि भाई उनकी जीवनी ये थी। तो कहीं ना कहीं रियल से इंस्पायर्ड है। सर आप मुंबई से लखनऊ आए, प्रदेश की राजधानी में, तो आपने लखनऊ क्यों चूज किया मूवी के लिए? क्योंकि कहानी का पृष्ठभूमि भी अपना उत्तर प्रदेश बिहार है। हीरो का रोल है, जो हीरो कैरेक्टर है वो क्या स्टोरी यूपी से रिलेटेड है? हाँ, यूपी से रिलेटेड है ना, और समझिए यूपी बिहार दोनों कल्चर तो एक ही जैसा है कि कहीं का भी खिस्सा उठाइए तो मिलता जुलता है। तो बेसिक इस कहानी को शूट करने के लखनऊ सबसे द बेस्ट जगह है ना, और भोजपुरी में पहली बार एक प्रयोग के तौर पर है, रियलिस्टिक सिनेमा की तरफ लोग गए नहीं है, रियल हम लोग कोशिश करें बनाएँ और जो कहानी का समझ होता है तो उस चीज़ को दिनेश जी बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और उसी हिसाब से हम लोग प्लानिंग के साथ ही सब करते हैं।